नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह बार बार संन्यास लेने की बात क्यों करने लगे हैं, ये सवाल बड़ा वाजिब हो जाता है। जो गिरिराज सिंह अपने बयानों से बिहार की राजनीति को अक्सर गर्म रखते हैं, जो गिरिराज सिंह सीधा और सपाट बोलते हैं, जो गिरिराज सिंह अपने ही गठबंधन के सहयोगी जेडीयू के मुखिया बिहार के सीएम नीतीश कुमार के लिए मुसीबत का सबब रहे हैं, उन पर हमलावर रहे हैं, वो गिरिराज सिंह आखिर क्यों बार बार संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, ये सवाल बड़ा हो जाता है। मुजफ्फरपुर के दौरे पर हैं गिरिराज सिंह और वहाँ से उनका जो बयान सामने आ रहा है उसने लोगों को अचरज में डाल दिया है, लोगों को बहुत हैरान किया है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सबका, हम सबका सपना था कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, मोदी सरकार ने हमारा ये सपना पूरा कर दिया है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी सकारात्मक कदम उठाया है मोदी सरकार ने, कई तरह के पहल की है, तो हम जिसके लिए राजनीति में आए थे, हमारा जो सपना रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने वो कर दिखाया है और आने वाले 5 सालों में बाकी के सपने भी पूरे हो जाएंगे, तो फिर हमारा राजनीति में रहने का क्या मतलब है। राजनीति की अंतिम पारी में खेल रहा हूं और मोदी सरकार के साथ मेरी राजनीति की अंतिम पारी है। जाहिर है गिरिराज सिंह संन्यास की बात कर रहे हैं और ये पहली बार गिरिराज सिंह ने नहीं कहा है। हाल के दिनों में उनका एक इंटरव्यू खूब वायरल हुआ था, एक निजी टेलीविजन चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में भी उन्होंने संन्यास की बात कही थी। तो सवाल बड़ा हो गया है कि जो गिरिराज सिंह अक्सर अपने बयानों से बिहार की सियासत को गर्म रखते हैं, अपने विरोधियों पर आक्रामक रहते हैं और आक्रामक तरीके से अपनी बात रखते हैं, जो गिरिराज सिंह लगातार ये दावा करते हैं कि मैं जो कहता हूँ उस पर अडिग रहता हूँ, पीठ पीछे नहीं बोलता, वो गिरिराज सिंह क्या कमजोर पड़ गए हैं, वो गिरिराज सिंह क्यों संन्यास लेने की बात करने लगे हैं, इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे। फिलहाल इन सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, सिर्फ गिरिराज सिंह बार बार संन्यास लेने की बात कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक कर लें। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सोल्यूशन पा सकते हैं स्वास्थ्य केयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर है 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।